हेलो फ्रेंड, पूर्णा ढाबा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, लौकी की सब्जी का नाम सुनते ही हमारा मुंह बिगड़ जाता है, साथ ही साथ बच्चे तो इसे बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते हैं। आज मैं आपको लौकी बनाने का ऐसा तरीका बताऊंगी कि आपके बच्चे से लेकर बड़े तक सभी लौकी के दीवाने हो जाएंगे और आपसे बार बार बनाने को कहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने अगर आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। लौकी की सब्जी बनाने के लिए ये मैंने 500 ग्राम लौकी ली है। इसके हम आगे पीछे का डंठल निकाल देंगे और इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और दोनों पार्ट में से हम छिकल को छील देंगे। अच्छे से पूरी लौकी को पील कर लेंगे। दोनों लौकी के पीसेस को इसी तरीके से पील करके रख लेंगे। ये देखिए, मैंने अपनी दोनों लौकी के को अच्छे से पील कर लिया है। अब इसे गोल गोल पतले पतले टुकड़ों में काट लेंगे। हमें ना ही ज़्यादा पतले टुकड़े करने हैं और ना ही ज़्यादा मोटे टुकड़े करने हैं, एकदम मीडियम साइज के हमें टुकड़े सारे पीसेस करने हैं। अब मैंने इधर एक स्टीमर लिया है। अगर आपके पास ऐसा स्टीमर नहीं हो तो आप कोई भी भगोना लेकर उसमें इडली मोल्ट लगाकर रख सकते हैं और उस इडली मोल्ट के सारे खानों में हम लौकी के पीसेस को रख देंगे और हमें इसे ढककर 10 मिनट के लिए ऐसे ही स्टीम में पकाना है। दस मिनट बाद देखिए, ये मेरे लौकी के पीसेस बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं और फोक लगाने पर ये आराम से गले हुए दिख रहे हैं। इन्हें निकाल कर हम बाहर कर लेंगे और जो हमारे पीसेस बचे हैं उन्हें भी हम स्टीम कर लेंगे। आप चाहें तो इसी के ऊपर लौकी के पीसेस को रखकर स्टीम कर सकते हैं। देखिए, मैंने अपने सारे पीसेस को अच्छे से स्टीम कर लिया है। अब इन पीसेस को हम एक मैशर की हेल्प से अच्छे से मैश कर देंगे। फ्रेंड्स, स्टीम में पकी हुई लौकी का टेस्ट ही अलग होता है। एक बार इस तरीके से लौकी बनाकर देखिएगा, आपके बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आएगी। पूरी लौकी को अच्छी तरीके से हम मैश कर लेंगे। देखिए, मैंने अपनी सारी लौकी को अच्छे से मैश कर लिया। अब इधर गैस पर मैंने एक पैन लिया है, उसमें एक चम्मच देसी घी डाल देंगे। फ्रेंड्स, लौकी देसी घी में ही अच्छी लगती है, इसलिए मैंने देसी घी का यूज़ किया है। अगर आपके पास देसी घी नहीं हो तो आप कोई सा भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एक चम्मच जीरा डाल देंगे और जीरा को अच्छे से चटकने देंगे। एक प्याज जिसे मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है उसे डाल देंगे और प्याज को हमें बिल्कुल लाइट पिंक होने तक पकाना है। दो मिनट बाद ही देखिए, मैं प्याज भी अच्छे से पिंक हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ी सी चॉप की हुई अदरक डाल दूंगी और ये मैंने दो टमाटर लिए हैं जिनको मैंने बिल्कुल महीन चॉप कर लिया है, उसे भी इसमें डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो लौकी के साथ अपने टमाटर को भी स्टीम कर सकते हैं और उसे भी लौकी के साथ मैश कर सकते हैं। मैंने टमाटर को अच्छे से चॉप कर लिया है। अब इसमें आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच मिर्च डाल देंगे। एक चम्मच धनिया डालकर सभी मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब अपने मैं टमाटर में मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि टमाटर और सारे मसाले अच्छे से भुन जाए। इसमें थोड़ी सी मैंने चॉप की हुई हरी मिर्च भी डाल दी हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और सभी को अच्छी तरीके से ऑयल सेपरेट होने तक हम पका लेंगे। दो मिनट बाद ही देखिए, मेरा टमाटर में से अच्छे से ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब मैंने इसमें एक कटोरी ये मटर ली है, इसे डाल देंगे और मटर को भी अच्छे से मसाले के साथ पका लेंगे। इसमें मैंने एक चम्मच मैगी मसाला लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास मैगी मसाला नहीं हो तो आप इसकी जगह पाव भाजी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। इस मसाले को डालने से आपकी लौकी का टेस्ट एकदम अलग हो जाएगा और बच्चे इसे एकदम बड़े मन से खाएंगे।
मैगी मसाला को भी मटर के साथ अच्छे से भून लेंगे और अब इसमें अपनी लौकी डाल देंगे और अच्छे से लौकी को मसाले में मिक्स कर देंगे। इस तरीके से लौकी बनाने पर आपके बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि आपने लौकी की सब्जी बनाई है। इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। या तो आप इसमें पाव भाजी मसाला या मैगी मसाला डाल दीजिए। सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। अगर फ्रेंड्स आपको इसमें थोड़ा सा शोरबा करना है तो आप पानी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें बहुत कम ही पानी रखा है क्योंकि ये सब्जी थोड़ी सूखी ही अच्छी लगती है। आधा चम्मच इसमें गरम मसाला डाल देंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और सबसे बाद में इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, मेरी लौकी की एकदम मज़ेदार सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इसे हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और इसे इसी तरीके से पराठों के साथ सर्व कीजिए। फ्रेंड्स, मेरी गारंटी है आप इसमें 2 किलो लौकी भी बना लेंगे तो आपके घर में पता ही नहीं चलेगी कि कहाँ लौकी की सब्जी ख़त्म हो गई। एक बार इस तरीके से लौकी की सब्जी बनाकर देखिए, आपके बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें।